हेलो फ्रेंड्स, यमिका एजुकेशन न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने अपना जो परिणाम है साइंस सब्जेक्ट का, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का, जिसका काफ़ी लंबे समय से वेट जो किया जा रहा था कि अब आएगा, आखिरकार आ गया है। और मुख्य सूची में जितने भी अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ मित्रों, और साथ में उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो एक दो या तीन नंबर से रहे हैं, उनके लिए भी मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, जिनमें आरडी बंसत जी हैं, हमारे ग्रुप से रमेश कुमावत जी, रोहित जी, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे काफ़ी लगाव हो गया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका मुझे काफ़ी दुख है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ, मेरा जो 42, 65, 53, तो दोस्तों आप सभी की असीम कृपा से मेरा भी यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। जैसा आप देख सकते हो 42, 65, 53, और जो मुझे रैंक प्राप्त हुई है 608 रैंक प्राप्त हुई है दोस्तों। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। कट ऑफ देखते हैं दोस्तों, जैसा कि कट ऑफ आपने देख ही लिए, लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं 228.04 गई है, जैसा कि मैं बताया करता था 220 से 224, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 228.04 है, अर्थात मेरी जो विश्लेषण है उससे 4.04 ज़्यादा गई है जनरल कैटेगरी की। इसी प्रकार बात करते हैं एससी की, एससी की 196.05 गई है, यहाँ पर मैं जो कट ऑफ बताता था 196 से 200, तो यहाँ पर मेरा आकलन एकदम सटीक रहा है एससी कैटेगरी में। इसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, इसमें 175.26 गई है, जिसमें मैं बताता था 173 से 177, इसमें एकदम राइट रहा है। इसके बाद ओबीसी में दोस्तों थोड़ा विचलन देखने को मिला है, मैं 213 से 217 की डिजिट मानता था, और यहाँ पर जो देखने को मिला है 3.44 मार्क का विचलन देखने को मिला है मित्रों। एमबीसी में भी थोड़ा विचलन देखने को मिला है, 195.12 गई है, लास्ट डिजिट जो मैंने बताई थी एमबीसी की 181 से 185 बताया करता था, यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और क्या होता क्या है, एमबीसी कैटेगरी है, इसमें जो 5% का जो लागू किया है उसने थोड़ा एनालिसिस को बिगाड़ा है। लेकिन अब मेन बात करता हूँ मैं जनरल कैटेगरी की दोस्तों, जनरल कैटेगरी में जो 228 गई है, इतना भारी अंतर कैसे आया, आप थोड़ा गौर से सुने। मैं आपको ओबीसी कैटेगरी में कुछ कैंडिडेट बताता हूँ, कईयों के 225 नंबर थे और 222.44 थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ मित्रों। इसके अलावा कई कैंडिडेट के 216, 217, 217.60, उनका ओबीसी में सिलेक्शन हो गया है, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आरडी बंसत जी, जिनके एससी कैटेगरी से 202 नंबर थे और 196 जो कट ऑफ गई है, उनमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अर्थात 6 नंबर फालतू थे, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं साइंस सब्जेक्ट में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यानी 8-9 जो क्वेश्चन की जो मैं लगातार बताता था, कहीं ना कहीं इतना फर्क पड़ा है। खुद मैं भी मेरी नंबर ही मानता हूँ, मेरा भी कहीं ना कहीं 1-2 नंबर घटा है दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो 1 नंबर घटा है, क्योंकि जिस हिसाब से रैंक आई है उस हिसाब से मैं मानता हूँ। पूरा विश्लेषण भी करेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये कट ऑफ के बारे में बताया है। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि काफ़ी फ़ोन कॉल्स सभी मित्रों के जो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, सभी के आ रहे थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।